और हाँ एक बात बताऊँ, सच में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन हु आर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रो अप माई लाइफ स्टाइल. यस एग्जैक्टली, बिकॉज वेट लॉस इज द रियली बहुत बहुत ही कंफर्टेबल थिंग है. पता है आपको, मतलब बिना किसी बीमारी के आप अच्छे से आपका वेट जो होना चाहिए उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो ये बहुत ही आरामदायक होता है. क्योंकि जैसे जैसे एक्सेस वेट निकलता जाता है बॉडी से, एक्सेस फैट निकलता जाता है और आपकी बॉडी सही स्ट्रक्चर में आना शुरू होती है, तो हम इतना कंफर्टेबल फील करते हैं काम करने में, उठने में, बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में. बहुत ही आरामदायक जिंदगी लगने लगती है जैसे जैसे एक्सेस वेट निकलता जाता है. सो आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी व्यूअर ऑफ माई चैनल के आप लोगों के सपोर्ट से, और खास करके जो कमेंट्स में अपने सुझाव देते हैं, बात करते हैं. आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. थैंक यू सो मच, एंड आई विश के मेरी जर्नी, मेरा गोल अचीव होने तक और उसके बाद भी आप लोग हमेशा जुड़े रहें. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. हेलो दोस्तों, सुबह सुबह दिन की शुरुआत करते हैं वजन चेक करके और देखते हैं आज के दिन में ये कितना है. 62.200. यस, इट्स वेरी गुड साइन. आज दिन की शुरुआत मैंने की थी ये एक मग ग्रीन टी पी के. जी हाँ. हेलो दोस्तों, आज है 19 मई 2024 और अभी मैं आ गई हूँ एक कॉफ़ी हाउस में खाने के लिए और कॉफ़ी पीने के लिए. तो फिर मेरा ऑर्डर जैसे ही रिसीव करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया. फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मेरे बेटे के साथ आई हूँ, तो मैंने हम दोनों के लिए एक एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की है. उसी के साथ ये जो आप ग्रीन कलर का टोस्ट देख रहे हो ये है पेस्टो वेजी सॉर्डो सैंडविच, और ये जो एक मल्टीग्रेन कलर में आप देख रहे हो वो है मशरूम चीज़ मेल्ट मल्टीग्रेन सैंडविच, और ये लास्ट में है तंदूरी सोया चाप रैप. तो मैंने ये तीनों आइटम हाफ हाफ खाई है क्वान्टिटी में, जितनी क्वान्टिटी आप देख रहे हो उससे. और उसी के साथ ना ये है थोड़े से रागी चिप्स जो मैंने ज़्यादा नहीं खाए. तो सुबह से एक मग ग्रीन टी के बाद ये शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में मैंने किया था लंच, जो बहुत ही लाइट और हैवी का मिक्सचर था. अभी बजे रात के 12:15 और रात के 12:15 बजे ना मैं ग्रीन टी पीने जा रही हूँ, क्योंकि अभी अगर मैंने कॉफ़ी पी ली तो शायद पूरी रात मुझे नींद ना आएगी. इसलिए मैं ना अभी ग्रीन टी पीने जा रही हूँ. डिनर मैंने स्किप किया है, मतलब क्यों किया ये बताऊँ मैं आपको ऑनेस्टली, तो आज मैंने बहुत देर से खाया और थोड़ा हैवी भी हो गया था खाने के बाद. और आपको तो पता ही है आज मैंने कैफ़े में हाई कैलोरी फूड खाया है, मतलब कोल्ड कॉफ़ी, उसमें बहुत सारी चॉकलेट चिप्स थी और उसके साथ मतलब कार्ब्स वाला खाना खाया है मैंने. मज़ा आ गया था खाने का, बट उस टाइम अगर एंजॉय किया तो उसको रिपे तो करना पड़ेगा ना, मतलब उसका कंपेंसेशन तो करना पड़ेगा. और ऐसा नहीं कि मैं कंपेंसेशन करने के लिए डिनर स्किप किया है मैंने, एक्चुअली में मुझे भूख नहीं लगी थी, दैट्स वाई आई हैव स्किप द डिनर. और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ बेवरेज पीना है. अब कॉफ़ी तो पी नहीं सकती रात को सोने के टाइम पे, इसीलिए ये ग्रीन टी पी रही हूँ. मैंने सोचा आपको बता दूँ, चीट नहीं करना है मुझे आप लोगों के साथ कि मैंने रात को ग्रीन टी पी और आपको ना बताया. हाँ अगर कभी कभार मैं कुछ वैसे तो भूलती हूँ तो दूसरे दिन तो आपको बता ही देती हूँ. बाय द वे, व्हाट एवर इज दिस, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ बिकॉज इट्स टू लेट एंड आई नो यू आर नॉट वॉचिंग इट राइट नाउ, बट इवन दो बात को बस यही खत्म करती हूँ और मैं अभी पीने जा रही हूँ ग्रीन टी. और हाँ, जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज ना लंच कर वापस घर लौटने समय मैंने ना रास्ते में 10 रुपये की पानी पूरी भी खाई थी, जो मैं आपको बताना भी भूल गई और मेरा पिक्चर लेना भी भूल गई. तो ये मैंने गूगल से इमेज लेकर आपको बता रही हूँ, बट 10 रुपये की पानी पूरी मतलब आप समझ सकते हो इससे ज़्यादा नहीं थी वो. तो बस इसी के साथ मेरे आज के दिन की जर्नी यहीं ख़त्म होती है. मिलते हैं कल नई सुबह के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.